तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे बिगिनर्स आर्म होल एंड शोल्डर कटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लोग डीप नेक बनाते हैं तो आप लोगों की एक शिकायत रहती है, आप लोग ये बोलते हैं सूट की कंधी साइड को गिरते हैं, यानी गला इस तरह से जाता है, इस तरह से गिर जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे यही डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम डीप नेक में ही आती है, यानी गले की गहराई ज़्यादा होने पर ही आती है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके गले की गहराई 3 इंच से लेकर 13 इंच तक है तो उसके लिए आपने शोल्डर कितना रखना है, आर्म होल कितना रखना है और गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो इस वीडियो को देखकर आप सभी साइज के आर्म होल एंड शोल्डर की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस तरह से बताया है, बॉडी मेजरमेंट करने पर कितना शोल्डर होने पर कितना शोल्डर का निशान लगाएं, कितना आर्म होल का निशान लगाएं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं शोल्डर आखिर होता क्या है और शोल्डर का नाप लेने का सही तरीका क्या है। तो जब आप शोल्डर का नाप लेंगे तो आपने क्लाइंट के पीछे आ जाना है, या आप क्लाइंट से बोल सकते हैं इस तरह से, ये देखें। तो एक बाजू से लेकर दूसरे बाजू तक शोल्डर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ये बाजू की सिलाई है, ठीक है, ये देखें, उसके बाद दूसरे बाजू की सिलाई ये है। तो हमने एक बाजू से लेकर दूसरे बाजू तक शोल्डर नापना है कुछ इस तरह से। तो देखें, इसका शोल्डर आ रहा है 14.5 इंच। तो 14 इंच से लेकर 15 इंच तक ही नॉर्मल सूटों के शोल्डर होते हैं। तो आइए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आपने कटिंग करनी है। तो मान लीजिए ये आपका फ्रंट साइड है, यानी सामना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, अगर बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका शोल्डर 14 इंच आ रहा है, यानी आपका तीरा 14 इंच है, और आपके फ्रंट नेक की गहराई, यानी आगे वाले गले की गहराई अगर 6 इंच से लेकर 7 इंच तक है, और बैक नेक की गहराई, बैक गले की गहराई अगर 3 इंच से लेकर 13 इंच तक है, तो हमने इसके लिए गले की चौड़ाई कितनी रखनी है और शोल्डर कितना रखना है और आर्म होल कितना रखना है, ये हम सबसे पहले आपको बताएंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे, अगर आपका 15 इंच शोल्डर है, यानी बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका 15 इंच तीरा आ रहा है, तो उसके लिए आपने शोल्डर कितना रखना है, आर्म होल कितना रखना है और गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहले हम 14 इंच शोल्डर के लिए बताएंगे, उसके बाद 15 इंच शोल्डर के लिए बताएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताई है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आपके शोल्डर कंधी कभी भी नहीं गिरेंगे, तो चाहे आपका किसी भी साइज का सूट हो। तो आइए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखें, हम सबसे पहले शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाएंगे। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर अगर आपका शोल्डर 14 इंच आ रहा है, तो अगर आपके बैक नेक की गहराई 3 इंच से लेकर 4 इंच तक है, तो आपने शोल्डर रखना है 6.7 इंच, यानी 7.5 इंच। 7.5 ये होता है, बहुत सारे बिगिनर समझ नहीं पाते हैं, तो ये 7 इंच में 2 सूत कम है, ठीक है, तो इसको हम 7.5 बोलते हैं, और ये 6.7 इंच भी कह सकते हैं। देखिए, हमने इस तरह से 7.5 इंच का शोल्डर के लिए निशान लगाना है, यानी ये तीरे का निशान हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इस निशान को स्ट्रेट करना है। तो अब बात आती है आर्म होल कितना रखें। तो हमने आर्म होल कितना रखना है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा शोल्डर आ रहा है 7.5 इंच, तो हमने यहाँ पर आर्म होल रखना है 7.25 इंच। हमने यहाँ पर ये देखना है, हमारा शोल्डर जितना भी है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर हमने 0.5 इंच बढ़ा देना है, यानी 0.5 इंच बढ़ा देना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है 7.25 इंच, तो हमने आर्म होल रखना है 7.2 इंच, यानी 7.25 इंच। तो देखिए, हमने इस तरह से यहाँ पर 7.25 इंच का निशान लगा देना है, ये देखें। फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से मार्क करना है। तो अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया 7.5 इंच, तो हमने इस मार्क को सीधा कर दिया, तो हमने ये मार्क सीधा नहीं रखना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जितना यहाँ पर रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक जितना भी शोल्डर है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 0.5 इंच कम कर देना है, ये देखें। फिर हमने यहाँ से स्केल रखनी है इस तरह से, और हमने इस निशान को इस तरह से तिरछा करना है, ये देखें। उसके बाद हमने यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना होता है, तो हम चेस्ट का निशान बाद में लगाएंगे। उसके बाद अब बात आती है, यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 7.5 इंच शोल्डर रखा, तो इसके लिए गले की चौड़ाई आएगी 3.5 इंच, 2.7 इंच, ये देखें, यानी 3 इंच में 2 सूत कम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगा दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके गले की गहराई 3 इंच है या 4 इंच है, तो आपने शोल्डर 7.5 रखना है। पर यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, ये मैं आपको तैयार नेक के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आपके नेक की गहराई 3 इंच है, तो यहाँ पर आपने नेक की कटिंग करनी है 3.5 इंच पर, ठीक है, क्योंकि 0.5 इंच मार्जिन कंधी में चला जाता है, तो इसलिए हमने 0.5 इंच बढ़ाना होता है। तो इसी तरह से आपके गले की जितनी भी गहराई है, आपने 0.5 इंच बढ़ाकर ही रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बॉडी मेजरमेंट पर 14 इंच शोल्डर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब बात आती है, अगर आपके बैक नेक की गहराई 4 इंच से लेकर 5 इंच तक है, तो आपने शोल्डर कितने रखने हैं और आर्म होल कितना रखना है।
तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 6.5 इंच, यानी 6.5 इंच। हमने 6.5 इंच का निशान लगा दिया, ये देखिए। और गले की चौड़ाई इसमें भी रहेगी 2.75 इंच, यानी 3 इंच में 2 सूत कम, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिस तरह से हमने ये मार्क तिरछा किया है ना, तो इस तरह से आपने इस मार्क को भी इस तरह से 1/2 इंच तिरछा रखना है इस तरह से। और हमने आर्म होल रखना है इसके लिए 7 इंच। अब हमने 7 इंच क्यों रखा, किस फॉर्मूले से रखा, तो हमने ये आर्म होल 7 इंच इस हिसाब से रखा है, जितना भी हमारा शोल्डर है ना उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाना है। तो आप यहाँ पर जितना भी शोल्डर रखते जाएंगे उसके हिसाब से आप आर्म होल 1/2 इंच बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद अब बात आती है, अगर आपके बैक नेक की गहराई 5 इंच से लेकर अगर 6 इंच तक है तो इसके लिए हमने शोल्डर कितना रखना है। चलिए हम यहाँ पर 5 इंच के हिसाब से 5.5 इंच का निशान लगाते हैं। तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 6 इंच, यानी 6 इंच, ये देखें। तो उसके बाद हमने इस मार्क को भी सेम इन्हीं मार्क की तरह तिरछा करना है, यानी 1/2 इंच अपनी ओर इस तरह से डाउन करना है इधर के लिए। उसके बाद हमने आर्म होल का निशान लगाना है, तो आर्म होल का सेम वही प्रोसेस रहेगा, जिस तरह से आपका जितना भी शोल्डर है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा देना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये निशान 6 इंच का आया, तो शोल्डर का जितना भी निशान लगाया है ना उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा देना है। तो इसके लिए हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच, ये देखें। तो हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है 2.5 इंच का। तो अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं जिस तरह से गले की गहराई बढ़ती जा रही है, यानी गले का डीप बढ़ता जा रहा है, उस तरह से आपका आर्म होल भी कम होता जा रहा है और शोल्डर भी कम होता जा रहा है। तो इसी तरीके से उसके बाद अब बात करते हैं, अगर आपके बैक नेक की गहराई 7 इंच है, यानी 7 इंच है, तो देखिए हमने यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाना है। तो अगर आपका बैक नेक 7 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 5.7 इंच, यानी 6.25 इंच, ये देखें, 6 इंच में 2 सूत कम, ये देखें। और इसको भी हमने इस तरह से तिरछा करना है, यानी 1/2 इंच तिरछा करना है। आपको ये ध्यान रखना है, आप यहाँ पर शोल्डर का जितना भी निशान लगाते हैं ना उसके हिसाब से हमने 1/2 इंच कम करके रखना है इधर के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान 6.25 इंच का लगाया है, तो हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे 6.25 इंच, 6.2 इंच, ये देखें। लिए हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच, ये देखें। इस तरह से हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है 2.5 इंच का। उसके बाद अब बात करते हैं, अगर आपका बैक नेक 8 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर कितना रखना है और आर्म होल कितना रखना है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 8 इंच के हिसाब से, तो अगर आपका बैक नेक 8 इंच है तो हमने इसके लिए शोल्डर रखना है 5.5 इंच, 5.5 इंच, देख सकते हैं इस तरह से, ये देखें। हमने इस निशान को भी 1/2 इंच तिरछा करना है इधर के लिए, ये देखें। तो जैसे कि हमने यहाँ पर शोल्डर रखा 5.5, तो हमने यहाँ पर आर्म होल रखना है 6 इंच। हमने यहाँ पर हर बार शोल्डर के हिसाब से आर्म होल 1/2 इंच बढ़ाकर ही रखना होता है। फिर उसके बाद हमने इस मार्क को भी स्ट्रेट कर लेना है, और यहाँ भी हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है। तो देखिए अब बात करते हैं, अगर आपका बैक नेक 9 इंच है, यानी 9 इंच है, तो इसके लिए हमने आर्म होल एंड शोल्डर कितना रखना है। तो अगर आपका बैक नेक 9 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 5.5 इंच, 5.2 इंच, हमने इसको भी तिरछा कर देना है इस तरह से। तो जैसे कि इसका शोल्डर आया 5.5, तो हमने इसका आर्म होल रखना है 6.25 इंच, यानी 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है, ये देखें। तो इसके लिए भी हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, 2.5 इंच। तो अब बात करते हैं, अगर आपका बैक नेक 10 इंच है तो इसके लिए हमने आर्म होल शोल्डर कितना रखना है। तो अगर आपका बैक नेक 10 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 5 इंच, यानी 5 इंच। उसके बाद हमने इसका आर्म होल रखना है 5.5, क्योंकि हमने यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाना होता है। उसके बाद यहाँ भी हमने तिरछा मार्क कर लेना है। तो इसके लिए भी हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, 2.5 इंच, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अगर आपके गले की गहराई 11 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर और आर्म होल कितना रखना है। तो 11 इंच नेक होने पर आपको शोल्डर रखना है 5 इंच और आर्म होल रखना है 5.5। तो 10 इंच और 11 इंच नेक के लिए आर्म होल एंड शोल्डर सेम चलेगा। तो यहाँ भी हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है, यानी 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखनी है। उसके बाद अब बात करते हैं, अगर आपका बैक नेक 12 इंच है उसके लिए हमने आर्म होल एंड शोल्डर कितना रखना है। तो 12 इंच नेक होने पर हमने शोल्डर रखना है 4.7 इंच, यानी 4.75, ये देखें, 5 इंच में 2 सूत कम। इस तरह से हमने 4.75 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमने इसको भी इस तरह से तिरछा मार्क करना है।
ये देखें, तो इसके लिए हमने आर्म होल रखना है 5.25 इंच, 5 इंच एंड 2 पॉइंट। इसके लिए हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच, 2 इंच एंड 2 पॉइंट। इस तरह से हमने 2.25 इंच का निशान लगाना है गले की चौड़ाई के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपके गले की गहराई 13 इंच है, इसके लिए हमने शोल्डर एंड आर्म होल कितना रखना है? शोल्डर का निशान लगाना है 4.5 इंच, 4.5 इंच का निशान लगाना है यहाँ पर। ये देखें, हमने यहाँ भी इस तरह से मार्क कर देना है। तो 13 इंच नेक होने पर हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, 2 इंच एंड 2 पॉइंट। तो दोस्तों ये तो 14 इंच शोल्डर के लिए बात हो गई, जिसमें हमने आपको बताया अगर आपका नेक 3 इंच से लेकर 13 इंच तक है तो उसके लिए आर्म होल एंड शोल्डर कितना रखें। तो अब बात करते हैं, अगर बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका शोल्डर 15 इंच आ रहा है तो उसके लिए हमने शोल्डर एंड आर्म होल कितना रखना है और गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। उससे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, हमने यहाँ पर पहले राउंड शेप बनाना है, गोलाई बनानी है। देखिए, हमने इस तरह से यहाँ से क्रॉस करना है और यहाँ से हमने एक निशान लगाना है 1 इंच का। ये देखें, 1 इंच का निशान लगा दिया। और उससे पहले हमने यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चेस्ट का निशान भी लगाना होता है। तो जितना भी आपका चेस्ट है आपने यहाँ पर उतना निशान लगा देना है। हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चेस्ट का निशान लगा दिया और ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है 1.5-2 इंच का। फिर उसके बाद हमने यहाँ से राउंड शेप बनाना है। हमने यहाँ से ये जो 1 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से हमने इस तरह से, तो देखें हमने ये जो शेप बनाया है तो ये तो फ्रंट यानी सामने के लिए हो गया। उसके बाद जब हम बैक साइड में राउंड बनाएंगे यानी बैक कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमने कितना कट करना है? तो हमने जो यहाँ से फ्रंट की कटिंग की है ना, यहाँ से हमने करीब 1.25 इंच ऊपर को निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद हमने बैक के लिए राउंड बनाना है यहाँ से। ये देखें, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 15 इंच शोल्डर और 3 इंच से 13 इंच नेक होने पर किस हिसाब से कटिंग करनी है वो समझ लीजिए। अगर आपका शोल्डर 15 इंच है और आपके बैक नेक की गहराई 3 इंच से लेकर अगर 4 इंच तक है तो इसके लिए आपने शोल्डर रखना है 7.5 इंच, 7.2 इंच। ये देखें, इस तरह से हमने 7.5 इंच शोल्डर रखना है और उसके बाद हमने यहाँ पर आकर 1/2 इंच कम कर देना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 7.5 रखा तो यहाँ पर हमने 7.25 रखना है। उसके बाद हमने इस मार्क को इस तरह से यहाँ पर तिरछा कर देना है। सेम वही प्रोसेस रहेगा जो मैंने आपको 14 इंच शोल्डर के हिसाब से बताया, उसी हिसाब से आपने यहाँ पर तिरछा मार्क लगाना है ये वाला। उसके बाद अब बात करते हैं आर्म होल के लिए। आर्म होल के लिए भी यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा जिस तरह से हमने शोल्डर का निशान लगाया है। तो जैसे कि शोल्डर का निशान आ रहा है 7.5, तो यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.25 इंच यानी 1/2 इंच बढ़ा देंगे। उसके बाद अब बात करते हैं हमने गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो इसके लिए हमने गले की चौड़ाई रखनी है 7.75 इंच, जितना हमने 14 इंच शोल्डर के हिसाब से बताया था। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई सेम रहेगी, गले की चौड़ाई कम या ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आर्म होल एंड शोल्डर ही चेंज होंगे, ये आपको समझना होगा। उसके बाद अगर आपका बैक नेक 4 इंच से लेकर 5 इंच तक है तो हमने इसके लिए शोल्डर रखना है 7 इंच और आर्म होल रखना है 7.5 इंच। हमने गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, अगर आपका बैक नेक 5 इंच से लेकर अगर 6 इंच तक है तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 6.5 इंच और आर्म होल रखना है 7 इंच। तो यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। उसके बाद अब बात करते हैं, अगर आपका बैक नेक 7 इंच है यानी 7 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर कितना रखना है? तो इसके लिए हम शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच और आर्म होल रखेंगे 7.75 इंच, ठीक है। और हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपके बैक नेक की गहराई अगर 8 इंच है तो हमने इसके लिए शोल्डर रखना है 6 इंच और आर्म होल रखना है 6.5 इंच और हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। उसके बाद अगर आपके बैक नेक 9 इंच यानी 9 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 7.25 इंच और आर्म होल रखना है 7.5 इंच। उसके बाद अगर आपका बैक नेक 10 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 5.5 इंच और आर्म होल रखना है 6 इंच और हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। तो गले की चौड़ाई सेम रहेगी जिस तरह से हमने 14 इंच शोल्डर के हिसाब से आपको बताया था। उसके बाद अगर आपका बैक नेक 11 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 7.5 इंच, 5.25 पॉइंट और इसके लिए आर्म होल रखना है 7.75 इंच और हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बैक नेक है 12 इंच तो हमने इसके लिए शोल्डर रखना है 5 इंच और इसका आर्म होल रखना है 5.75 इंच और इसके लिए हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच, ठीक है।
उसके बाद अगर आपका बैक नेक 13 इंच है तो इसके लिए हमने शोल्डर रखना है 4.5 इंच और इसका आर्म होल रखना है 2.25 इंच और इसके गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने आपको 15 इंच शोल्डर के हिसाब से भी बता दिया है। उसके बाद जो मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आइए उस टिप्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे हमने शोल्डर भी सही रखा है, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रखा है, आर्म होल भी सही रखा है, फिर भी हमारा शोल्डर गिर रहा है, तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या कारण है? तो आपने यहाँ पर क्या ट्रिक अप्लाई करना है वो आप समझ लीजिए। अगर आपका डीप नेक है यानी गले की गहराई ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपके गले की गहराई 7, 8, 9, 10, 11 इंच है, तो आपने यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई करना है। ये जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया होता है, यहाँ से हमने 1/2 इंच का एक मार्क लगाना है, ये देखें इस तरह से, और जो हमने शोल्डर का मार्क लगाया होता है उस निशान से हमने यहाँ के लिए इस तरह से डाउन करना होता है, ये देखें कुछ इस तरह से। तो ये ट्रिक आपको डीप नेक में ही अप्लाई करना है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ से कट करता हुआ ले जाऊंगा, और यहाँ कट करने के बाद जब आप इस तरह से सूट बनाएंगे तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। तो इस वीडियो में मैंने आर्म होल एंड शोल्डर से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर बात की है। अगर आपको ये लगता है मुझे बताने में कुछ मिस्टेक हुई है, अगर मैं कुछ ऐसा नहीं बता पाया हूँ जो आपको लगता है मुझे इस वीडियो में बताना चाहिए था, तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।